घटिया किस्म की मौसीकी, बदजायका चाय, दिल फेंक किस्म के मर्द और मुसलसल चुप औरत नाकाबिले बर्दाश्त होते हैं। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और नया टिकटॉक का ट्रेंडिंग डेली स्टेटस वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि आप सिंपल स्क्रीन में देख चुके हैं। तो अगर आप इस तरह का ट्रेंडिंग स्टेटस बनाना चाहते हैं तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की वीडियो में इसका मुकम्मल डिटेल बताऊँगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। जी तो फ्रेंड, ये टिकटॉक की आई डी है पागल राइट्स 143। एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे ये स्टेटस भेजे तो उसने बोला था यार, इसका स्टेटस कैसे बना सकते हैं आप, फाइनली इस पर ट्यूटोरियल दें। तो अगर आप इसी स्टेटस का ट्यूटोरियल चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आई डी के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर दबाएँ तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इसके लिए हम दो ऐप यूज़ करेंगे, एक का नाम है पिक्सल ऐप और दूसरे का नाम है कपकैट। तो आपने पिक्सल ऐप को ओपन कर लेना है। तो अगर आपके पास पिक्सल ऐप नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास न्यू टैक्स योर है तो आपने इसको डिलीट कर लेना है, प्लस पे टैप करके टैक्स ले लेना है, और इस पर डबल टैप करके आपके जो सॉन्ग के आपने लिरिक्स हैं या जो सी आप पोएट्री लगाना चाहते हैं आपने वो लिख लेने हैं। जैसे कि मेरे हैं ये वाला, तो इस तरह आपने अपना कोई सा भी जो लिरिक्स है वो लिख लेना है। मैंने कॉपी की थी, पेस्ट कर लिए हैं। आप अपने हिसाब से सॉन्ग पे बनाना चाहते हैं या पोट्री पे बनाना चाहते हैं आपने वो लिरिक्स लिख लेने हैं। उसके बाद आपने ए में आ जाना है और आपने सबसे पहले फॉन्ट में आ जाना है, और जो सा आप फॉन्ट लगाना चाहते हैं वो आई डी वाला, तो जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो वो आई डी वाला ये वाला फॉन्ट यूज़ कर रहा है, ये वाला ये आपको डिफ़ॉल्ट में मिल जाएगा, पिक्सल ऐप का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट है। तो अगर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और लगाना चाहते हैं तो आप वो लगा सकते हैं, मैं ये वाला यूज़ करूँगा। इसके बाद आपने ओके कर लेना। ओके करने के बाद आपने स्टाइल में आके इसको बोल्ड कर लेना है। उसके बाद आप इसमें कलर चेंज वगैरह करना चाहें तो अपने हिसाब से कर लेते हैं, कर लें, क्योंकि उसके कलर वाइट होता है लेकिन बीच में उसके कलर चेंज भी होते हैं कुछ अपने हिसाब से, वो एक हिस्सा येलो रेड ऐसे कर देता है। तो मैं जो है वो ऐसे अल्लाह को कर लेता हूँ येलो कुछ इस तरह से, ये हमारा हो गया। तो आप इस तरह जो है वो अपना चेक कर लीजिएगा, आप जो सा फॉन्ट लगाना चाहते हैं सॉरी को फॉन्ट चेंज कर लेते हैं। अल्लाह हमारा जो है वो सही नहीं शोर है, कोई और फॉन्ट में चेक कर लेता हूँ। तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा, जो सा फॉन्ट आपको बेस्ट लगे आपने वो लगा लेना है। तो ये फॉन्ट शुरू करके चेक कर लेते हैं, ये सही है। तो इस तरह आपने अपना जो है वो कोई सा भी फॉन्ट जो आप लगाना चाहते हैं आपने वो फॉन्ट लगा लेना है। उसके बाद आपने कलर चेंज कर लेना, इतना करने के बाद आपने ट्रांसपेरेंट पे टैप करके और सेव पे टैप करके, सेव एज इमेज करके आपने डिफ़ॉल्ट पे टैप करके अल्ट्रा पे करके सेव टू आपने गैली कर लेना है कुछ इस तरह से। उसके बाद दोबारा फिर आपने इस पर डबल टैप करना है और इसको आपने रिमूव करके और आपके आगे वाली जो लाइन है आपने वो लिख लेनी है। तो जैसे कि मेरी ये है, मैं इस तरह कर लेता हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, ए पे टैप कर लेना है और कलर में आके आप जो उनसे कलर का रखना चाहें, तो मैं इसको फुल वाइट कर लेता हूँ इस तरह। उसके बाद जो आपने फॉन्ट में आ जाना है, अगर आप फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, मैं ये वाला फॉन्ट लगा लेता हूँ ये वाला। तो आप अपने हिसाब से जो सा आपको फॉन्ट बेस्ट लगे आपने वो लगा लेना है, लाजम नहीं है कि आप यही लगाएं। अगर आपके पास उर्दू वाले फॉन्ट नहीं है तो आपकी वीडियो के ऊपर आई कार्ड दे दूंगा, उस पर पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, 5K प्लस फॉन्ट है, इंग्लिश और उर्दू आपको दोनों मिल जाएंगे। तो आप अपने हिसाब से जो सा आप यूज़ करना चाहें आप कर लीजिएगा। तो मैं ये वाला यूज़ करूँगा। उसके बाद आपने इसको भी सेव कर लेना है, सेव एज इमेज करके डिफ़ॉल्ट पे टैप करके अल्ट्रा पे करके सेव टू अपनी गैलरी कर लेना है। तो पिक्सल ऐप पे हमारा काम खत्म हो चुका है। पिक्सल ऐप पे जस्ट आपने अपने जो लिरिक्स हैं आपने वो लिखने हैं, उनको आपने पीएनजी में ट्रांसपेरेंट करके पीएनजी में सेव कर लेना है। तो अब चलते हैं कपकैट ऐप को ओपन कर लेते हैं। अगर आपके पास कपकैट नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आपने डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपने प्लस न्यू प्रोजेक्ट पर टैप कर लेना है, अपनी पिक सेलेक्ट कर लेनी है जिस पिक्स पे आप बनाना चाहते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको नीचे आके स्क्रॉल कर लेना है और फॉर्मेट आपने फॉर्मेट में आके 9.60 या जौन से फॉर्मेट में आप बनाना चाहते हैं 1x1 में आपने चेक कर लेना है। मैं 9.60 वाला चूज़ करूँगा टिकटॉक का जो साइज़ है। उसके बाद आपने क्या करना है, पिक को सिलेक्ट कर लेना है और अपनी स्क्रीन पर इस तरह फिट कर लेना है आपने कुछ इस तरह। उसके बाद आपने तमाम आपकी जो पिक्स आपने चेक कर लेनी है और इनको कुछ इस तरह से आपने एडजस्ट कर लेना है। तो उसके बाद आपने एंड पॉइंट पे आके जो हमारा कैपकट का लोगो जो हो रहा है तो आपने इसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने जिस पोट्री पे या जिस सॉन्ग
पे आप वीडियो बना रहे हैं आपने वो ऐड कर लेना है, आपने ऐड वीडियो पे टाइप ऐड ऑडियो पे टाइप करना है। अगर आपके पास ऑडियो की सूरत में है तो आपने साउंड पे क्लिक कर लेना है, अगर आपके पास वीडियो की सूरत ना तो आपने वीडियो से स्टार्ट कर लेना है। तो मैं वीडियो से स्टार्ट कर लेता हूँ। जिस तरह से आप देख सकते हैं मेरा जो सॉन्ग ऐड हो चुका है, तो हमारा जो सॉन्ग है मैं सुन लेता हूँ कहाँ तक है। उसके बाद ऐसे ऐसे ट्रिम कर लेते हैं, ट्रिम करने के बाद आपने इसको डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सॉन्ग को सिलेक्ट कर लेना है और मैच कट पे आके आपने अपना सॉन्ग सुन लेना है। जहाँ पे आपके लिरिक्स ख़त्म हो रहे हैं वहाँ पे आपने क्या करना है कि एक बीट मार्क लगा लेना है। ऐसे आपने अपने तमाम लिरिक्स पे एक बीट मार्क लगा लेना है जहाँ जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं, कुछ इस तरह से। तो अभी इसको ओके कर लेते, ओके करने के बाद इतना हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो अभी आपने क्या करना है, इसको बैक कर लेना है। बैक करने के बाद आपने ओवरले पे टैप कर लेना है। ऐड ओवरले पे टैप करेंगे तो आपने अपना जो आपका है लिरिक्स आपने वो ऐड कर लेना है। जैसे कि मेरा ये PNG हमारी जो है ये हमने बनाई थी पिक्सल लैब में, तो आपने इसको ऐड कर लेना। इसको ऐड करने के बाद आपने इधर आप रखना चाहते हैं छोटा बड़ा जितना आप रखना चाहते हैं आपने उस हिसाब से कर लेना है। उसके बाद आपने कुछ इस तरह से इधर इसको स्प्लिट कर लेना है और डिलीट कर लेना है। उसके बाद आपने थोड़ा सा इसमें स्पेस दे के आपने ऐड अवेले पे टाइप कर लेना है और आपकी जो दूसरी है PNG आपने उसको ऐड कर लेना है कि मेरा ये है। तो इधर से इसको भी स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के बाद आपने इसको भी डिलीट कर लेना है। बस हल्का सा कलर आगे करके आपने ऐड अवेले पे दोबारा पे टाइप कर लेना है। बस उसके बाद आपने इसको भी इधर से ऐसे स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद आपने इसको डिलीट कर लेना है। हल्का सा कलर आपने आगे करके ऐड अवेले पे दोबारा टाइप करना है और आप आगे वाले जो लिरिक्स आपने वो ऐड कर लेना है। उसके बाद इसको भी ऐसे स्प्लिट करके और आपने डिलीट कर लेना है। तो मेरे जो हैं वो चार लिरिक्स हैं कुछ इस तरह से। तो अभी आपने क्या करना है, अभी आपने इन पर एनिमेशन देनी है। तो उसके लिए आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है एनिमेशन में आके। तो इसके लिए आपका जो डाटा है वो ऑन होना चाहिए। अगर आपका डाटा ऑफ होगा तो आप इसकी ऐप की एनिमेशन काम नहीं करती है। तो आपने क्या करना है, ये पेंडुलम है आपने इसको ड्यूरेशन कुछ इस तरह से फुल कर देनी है। उसके बाद आपने जो आगे वाला है इस पर पेंडुलम 2 दे देनी है। इसके बाद इस पर भी पेंडुलम 1 और इस पर सॉरी ये हमारा इधर तक था कुछ यहाँ तक। तो आपने जो है इस पर पेंडुलम 1 और इस पर पेंडुलम 2 ये। तो अभी आपने क्या करना है कि आपने एक जगह मेरे कुछ ऊपर लिरिक्स हैं कुछ नीचे शो हो रहे हैं, तो मैं उनको इधर नीचे ले आता हूँ, वो मुझे याद नहीं रही पहले। तो आपने अपने जो लिरिक्स हैं आपने क्या करना है कुछ इस तरह से इधर नीचे ले आने हैं। तो उसके बाद आप इन पिक्स पे एनिमेशन देना चाहें तो आप एनिमेशन में आके और अपनी मर्ज़ी से जौन सी आपको एनिमेशन बेस्ट लगे आपने वो कॉम्बो में आके ये देना चाहें आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा। जैसे आपको बेस्ट लगे आपने उस हिसाब से एनिमेशन दे लेनी है ये कुछ इस तरह से। आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना है जैसे आपको बेस्ट लगे। ये अभी हमारे पास कुछ इस तरह से शो होगी। आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना है जैसे आप एनिमेशन देना चाहते हैं आपने वो दे लेनी है। तो अगर आप कोई और इस ओवरले में जो हमारा टेक्स्ट है इसमें कोई और एनिमेशन देना चाहें तो आप वो भी दे सकते हैं। ये आपको बहुत सारी एनिमेशन मिल जाती हैं, ये आप देख सकते हैं आपको मुख्तलिफ एनिमेशन है। तो आप अपने हिसाब से जोन सा आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। अगर आप इनमें आ जाएँ तो आपको इनमें भी बहुत सारी एनिमेशन मिल जाएंगी। अगर आप अपनी मर्ज़ी से चेंजेस वगैरह करना चाहते हैं कोई और एनिमेशन लगाना चाहते हैं जैसे कि ये हो गया हमारा ये, अगर आप ये लगाना चाहते हैं ये भी लगा सकते हैं। अगर आप ये लगाना चाहें तो आप अपने हिसाब से चेक कर लीजिएगा जैसा आपको बेस्ट लगे। जो उनसे आप एनिमेशन यूज़ करना चाहें आपने वो कर लेनी है। तो हमारा जो है स्टेटस रेडी हो चुका है, मैं आपको प्ले करके चेक करा देता हूँ। आप देख सकते हैं ये हमारी एनिमेशन काम कर रही हैं, ये इधर से ये लेफ्ट से ये राइट से लेफ्ट एक राइट। तो इस तरह आपने अपना जो है वो लिरिक्स लिख के पिक्स लैब की मदद से अपनी पिक्स लगा के और आपने इन एनिमेशन अपनी मर्ज़ी से यूज़ करके और स्टेटस बना लेना है। तो फ्रेंड उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जस्ट सेव कर लेना है।
तो आप देखते हैं हमारी वीडियो एक्सपोर्ट में स्टार्ट हो गई है। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो चलेगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिए। अगर चैनल पहले सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में लाइक भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। तो मैं मिलता हूँ चलेगा नई वीडियो से, आता हूँ अपना और अपने चैनल वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।